Hello friend, welcome to Cocktails India and I am your host Dada. And welcome to a new masterclass with Mr. Indraneel Chatterjee. He's a greatest mixologist as well as uska achievement level itna hai ki main agar padhna chalu karunga to kafi time lag jayega. Please welcome Indraneel Chatterjee. Hi Indraneel. Hello. Nice meeting with you. Aaj mujhe mauka mila Indraneel se ek cocktail banwane ke liye. Actually Indraneel is too busy. He's always traveling all over the India. तो मुझे मैंने रिक्वेस्ट किया था इंद्रनील को बनाने के लिए एक कॉकटेल. तो इंद्रनील टाइम दिया इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. इंद्रनील आज आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस आफ्टर दिस वीडियो कॉकटेल के बाद. इंद्रनील मुझे आप बताओ कि आज आप क्या कॉकटेल बनाने वाले हो. बहुत ही सिंपल एक कॉकटेल बनाऊंगा जो कि आप अपना घर में यूज कर सकते हो पार्टीज में आप गेट टुगेदर में जो कि द इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल आपका घर में अवेलेबल हो. कुछ भी चीज़ सब थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना पड़ेगा एंड इवन नेम आल्सो वेरी कॉमन एवरीबॉडी नोज मार्टिनी. सो मैंने उसको थोड़ा फ्रूटी बना दिया. इट्स अ पोमोग्रेनेट जिंजर मार्टिनी. सो इट्स अ पोमोग्रेनेट जिंजर मार्टिनी राइट. सो क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए आपको. मैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज किया जो आपको घर में अवेलेबल होगा. आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपको घर में जो अवेलेबल है उसी हिसाब बना सकते हो. जैसे बेसिकली मैंने लेमन जूस बनाया. दैट्स लेमन जूस फ्रेश लाइम जूस और शुगर सिरप. उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मैंने एज द विंटर सेशन एंड ऑल. यू कैन यूज शुगर सिरप थोड़ा सिमर्स करके विद जिंजर एंड मिंट. इट विल गिव यू अ गुड इफेक्ट ऑफ थ्रोट एंड ऑल. एंड फॉर द फ्रूटीनेस आई यूज अ फ्रेश पोमोग्रेनेट जूस जो जिसको आपने स्क्वीज किया या पोमोग्रेनेट जूस को स्क्वीज करके बनाया जिसको ना होममेड. एंड फॉर अल्कोहल आई एम गोना यूज ग्रे गूस वोडका. ग्रे गूस वोडका या इट्स अ ग्रेट डेफिनेटली ग्रे गूस वोडका एवरीवन नोस. सो ग्रे गूस वोडका मैं यूज. उसके बाद हम लोग शेक करेंगे कॉकटेल को विद आइस एंड ऑल देन स्टेन करके रिपोर्ट द ग्लास देन टॉप विद द स्पार्कलिंग वाटर. दैट्स अ बेसिक कांसेप्ट यू कैन यूज इन द होम एंड इट्स अ स्वीट एंड हंबल कॉकटेल कैन से. सो इंद्रनील आगे जाके आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे. एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पर मैं आपके बारे में जानूंगा क्योंकि आप तो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने करियर में तो वो जानना जरूरी है. उसके साथ साथ मैं बात भी करता रहूंगा. तो पहले कॉकटेल के ऊपर कंसिडर करते हैं. क्या कॉकटेल आप क्या बना कॉकटेल स्टार्ट करते हैं. यस. सो फर्स्ट थिंग जो कॉकटेल में किया जाता है सो पहले लेस वैल्यू इंग्रेडिएंट्स आता है. सो अराउंड 15 ml ऑफ लाइम जूस. बस बाद में क्या होता है ना आपको कुछ गलती होगा तो यू कैन थ्रो डा कॉकटेल. तो पहले हम लोग जो लेस वैल्यू इंग्रेडिएंट्स होता है पहले डाल. कॉमन फैक्टर है मगर बहुत सारा बार्टेलर ये फॉलो करता नहीं. ये बहुत वैल्यू वाला बात है क्योंकि अक्सर हम लोग अल्कोहल डाल देते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाता है. बाद में देखा गलत इंग्रेडिएंट डाल दिया. ये मैं डाल रहा हूँ आपका जिंजर मिंट सिरप. अच्छा ओके अराउंड 20 ml. अच्छा 20 ml. मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको फ्लेवर एनहांस करेगा वो है पोमोग्रेनेट जूस 50 ml. तो फ्रेश होना बहुत जरूरी है. फ्रेश पोमोग्रेनेट जूस आजकल फ्रेश तो हम सब भूल चुके हैं. कॉकटेल में खाली हमें आधी से देख लेंगे. लास्ट ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इज वोडका ग्रेगोस 60 ml. एज वोडका मैं खाली वोडका यूज़ कर रहा हूँ दूसरा कोई अल्कोहल यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए 60 ml जाना जरूरी है. तो कैन गेट द proper taste of a martini. Martini is basically a short drink, not a long drink, and a little strong drink, you can say. So we now the ice, lot of ice for a good shake. इसको मैं shake करूँगा. ये उसका सोच के मैंने ये बनाया. वेरी क्लोज एंड वी ऑल आर नो दैट अगर ये छोटा गुलाब भी हो जाए तो और मस्त होगा गार्निश. तो मैं डबल स्टेन करूंगा. एक तो मेरा आई स्टेन के लिए और दूसरा जो जिंजर मिंट डाला हुआ है उसके लिए स्टेन करूंगा मैं. वो मुंह में ना आ जाए. यस. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कलर फॉर वैलेंटाइन. सामने वैलेंटाइन है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा इस कॉकटेल को. just use a
स्प्लैश ऑफ स्पार्कलिंग वाटर ऑन टॉप। स्पार्कलिंग वाटर जो अगर ये ज़्यादा स्वीट हो जाएगा तो उसका बैलेंस ये कर देगा। अच्छा, और ये स्पेशल गार्निश मैंने बनाया है समथिंग लाइक वैलेंटाइन। ओके, इट्स अ लेमन स्कूप। उसके ऊपर मैं आपका पोमोग्रेनेट जो है फ्रेश को पहले अंदर से जो है स्कूप कर लिया। एग्जैक्ट, स्कूप करने के बाद पोमोग्रेनेट डाला। यस, पोमोग्रेनेट डाला, फ्रेश पोमोग्रेनेट डाला। सो यू कैन यूज द फ्रेश पोमोग्रेनेट, यू कैन हैव अ फ्रेश पोमोग्रेनेट, आप खा सकते हो उसके साथ ड्रिंक के साथ। एग्जैक्ट, दैट्स अ बेसिक थिंग। पहले तो मैं टेस्ट कर लूंगा, उसके बाद ही जाकर बताऊंगा। आई गॉट स्ट्रॉ, पहले मैं टेस्ट करूंगा कि कैसे बना है। अच्छा ठीक है यार, मैं डायरेक्ट स्टॉप नहीं करूंगा। देयर इज नो वर्ड। इंदुनिल ऐसे फेमस नहीं हुआ इसी के कारण हुआ है सर। क्लासिक कॉकटेल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इसका जो हर एक फ्लेवर वो आ रहा है, कोई भी चीज डोमिनेटेड नहीं है। जैसे कि इसका जिंजर फ्लेवर भी आ रहा है, इसका जो जो मिंट लीफ जो यूज किया है उसका भी सेंटर है। हर एक चीज, हर एक इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, और यही है एक बार्टेंडर की खासियत। जब ये कॉकटेल क्रिएट करता है कि किसी भी चीज को डोमिनेट करने नहीं देता है, वो फ्लेवर चूज करता ही ऐसे। इंद्रनील इज रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पुट द गार्निश बॉस, इट्स अदरवाइज मैं गार्निश के बाद में पी जाऊंगा इस वीडियो के बाद, मगर फिलहाल तो मैं रखना। ये कॉकटेल को पीने के बाद मैं इंद्रनील से बैठूंगा, थोड़ा सा चैट करूंगा उसकी अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि आप बहुत काम जानते हैं इंद्रनील के बारे में। इंद्रनील इज अ ग्रेटेस्ट मिक्सोलॉजिस्ट फ्रॉम कलकत्ता, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप स्किप मत करिए, वीडियो को फिर देखते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल बटन को क्लिक करें और बगल में जो घंटी है उसको भी क्लिक करें। बस सब्सक्रिप्शन हो चुका, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। इंद्रनील के साथ आफ्टर द कॉकटेल, तो सो इंद्रनील मेरे सामने बैठा है। इंद्रनील थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन वेलकम दादा, थैंक यू टाइम देने के लिए। इंद्रनील मैं तुमसे थोड़ा बहुत बात करना चाहूंगा कि तुम कितने साल से बार्टेंडिंग कर रहे हो? बार्टेंडर तुम हो नहीं, उससे ज्यादा हो, क्लोज टू 10 इयर्स, अराउंड टू 10 इयर्स एक्सपीरियंस। और इंद्रनील ये प्रोफेशन कैसे रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर आस्किंग की बात की बात दैट बार्टेंडर का लाइफ कैसे। मेरे को अगर पूछोगे तो आई फाइंड एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी। ये प्रोफेशन ऐसा ही है कि वेन एवर आई स्टैंड बिहाइंड द बार आई फील समथिंग न्यू। मेरे को लगता है कि नो आई एम देयर समथिंग लाइक दैट, के बार्टेंडिंग इज सच अ प्रोफेशन के दैट्स द मोस्ट एंटरटेन एंड एंजॉयबल फील्ड। एग्जैक्टली, दो इट्स अ हार्ड वर्क बट स्टिल यू हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। एग्जैक्टली, बिकॉज most of the guests are telling me that it's a hard schedule because you have to find out in the morning course, time after true. That you in the midnight also again you're coming back in the morning time, it's quite difficult. But still we're enjoying our work, right? Of course, we cannot calculate our time to kabhi soch hi nahi sakta ki ye time aana hai, what time mein jana hai, but still in 15 hours 14 hours 12 hours but we enjoyed every moment. Exactly, that's it. Acha Indunil, main पूछना चाहूँगी तुम्हारा तो अचीवमेंट बहुत सारा है, तो थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर दोगे तुम अगर अचीवमेंट। जैसे मैंने सुना कि तुम बकाडी लेगेसी चैंपियंस। या स्टार्टिंग ऑफ माय करियर दैट्स मोर थिंग, द फर्स्ट अचीवमेंट आई हैव डन कोलकाता में जो स्मॉल कंपटीशन हुआ था थ्रू स्मार्ट अप, दैट वाज माय फर्स्ट आफ्टर जॉइनिंग इंडस्ट्री। देयर इज बार्टेंडिंग कंपटीशन, यस, दो साल बाद, इट्स ओनली कलकत्ता बेस्ड। दैट टाइम आई गॉट अ बेस्ट जूनियर कॉकटेल मेकर अवार्ड इन कोलकाता। आफ्टर दैट आई ओन बकाडी मार्टिनी ग्राफिक्स, that is the biggest event in India. Yes, now for me even big things, even Bacardi Legacy also. Okay, and part of our DRGO right now. So you are the champion of champion winner from Kolkata. Yes, 2010 I think, 2010 Bacardi Legacy. 2000, yes, yeah, 2010 before that 2008 or something Bacardi Martini Graphics. Okay, that so time. Okay, so again this is actually a platform for us, for bartenders. Okay, it's a very difficult things, you know. कोई अचीवमेंट अगर ये कॉकटेल से मिलता है, जैसे बकाडी लेगेसी चैंपियन है, ये बहुत बड़ा बात है। अगर एक बार्टेंडर की हैसियत से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बात है जो इंद्रनील अचीव कर चुका है, और इसीलिए ये सेलिब्रिटी बार्टेंडर कहलाता है, क्योंकि कुछ अचीवमेंट तो ज़रूरी है। हालांकि मैं छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा था, मगर बार्टेंडर वो है, दे आर द मिक्सोलॉजिस्ट, दे हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स। और इंद्रनील मैं और एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो अक्सर होता है कि बार्टेंडिंग जो होता है, आप अर्निंग जो करते हो वो क्या इनफ है एक बार्टेंडर्स के लिए? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अक्सर आता है, जो बार्टेंडिंग फील्ड में नहीं है वो भी अक्सर ये क्वेश्चन करते रहता है कि अर्निंग कैसा होता है, क्या मैं अपना परिवार को आगे बढ़ा सकता हूँ।
तो आई थिंक सी आई कैन से आई मीन हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 10 इयर्स आई एम इन द पोजीशन आई एम हैप्पी टू व्हाटएवर आई अर्न राइट नाउ यू आर सच अ गुड पोजीशन नाउ आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीबॉडी आई एम जस्ट टेलिंग यू बीइंग अ बारटेंडर यू आर सैटिस्फाइड डेफिनेटली व्हाटएवर यू अर्निंग इफ यू आर पैशनेट अगर आपका पैशन है ये प्रोफेशन के पीछे तो अर्निंग मैटर नहीं करता यू कैन रन एग्जैक्टली इवन यू कैन रन योर सेल्फ अगर पैशन है तो पैशन अगर आपके कोई भी मतलब नॉट ओनली बारटेंडिंग कोई भी जॉब में अगर आपका पैशन नहीं है उसके पीछे अगर आपका हार्ट नहीं है तो आप आपको अगर 50,000 भी दे देगा यू आर नॉट एंजॉय दैट एग्जैक्टली वेरी सिंपल थिंग सो आई बारटेंडर कैन एंजॉय 10,000 ऑल्सो आप 15,000 ऑल्सो और 50,000 ऑल्सो व्हेन यू आर बिहाइंड द बार व्हेन यू वॉक पैशन फॉर द बारटेंडिंग अनिल देयर इज वन मोर थिंग्स लाइक यू आर अ यू नो बारटेंडर गिल्ड्स का आप बहुत बड़ा एक द सेकंड एन अचीवमेंट फॉर मी दैट आई लाइक मेरे को चूज किया गया फॉर इंडिया बारटेंडर एसोसिएशन से आई एम द कोलकाता हेड ऑफ दैट इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारा बारटेंडर्स है जो मुझे तो फॉलो करते हैं शायद आपको आगे से करेगा क्योंकि मैं फेसबुक का लिंक नीचे देने वाला हूँ जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है कोई भी हेल्प चाहिए तो क्या आप मेरे सब्सक्राइबर को जो बारटेंडर्स है ऑलरेडी क्या हेल्प करोगे आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर एनी बारटेंडर थैंक यू सो एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया आई एम 24 आवर्स अवेलेबल ध्यान करें दोस्तों आप उसको परेशान करिए जितना भी क्वेश्चन है उसको नीचे लिखिए फेसबुक में लीजिए इंस्टाग्राम में लीजिए और कंटिन्यू उसको डिस्टर्ब करते रहिए और एक छोटा सा क्वेश्चन है इंद्रनील कि कॉन्कॉक्शन का ग्रुप कैसा है और कॉन्कॉक्शन थोड़ा सा बता दो क्योंकि बहुत सारे सब लोगों को मालूम नहीं कॉन्कॉक्शन एक्चुअली है क्या चीज़ दैट्स अगेन दैट्स अ माइंड दैट्स अ हार्ट फॉर मी एंड दैट्स अ हार्ट फॉर अ कोलकाता बारटेंडर वी हैव क्रिएटेड जो हम लोग क्रिएट किया 2017 में 7th ऑफ ऑगस्ट दैट इज द कॉन्कॉक्शन विच इज अ कोलकाता बारटेंडर्स कम्युनिटी And presently we are close to 100 bartenders from more than 45 outlets in Kolkata. Very good. And that's the biggest achievement. Small से junior bartenders then senior bartender. हम लोग always knowledge share करते हैं कुछ भी होगा Even we are through that community बहुत सारे लड़के लोगों को they got an opportunity to work for a good places. We are giving them opportunity to go this place and that place. It's a connectivity. And for that definitely we have a lot of program. We are doing cocktail competitions. We are doing a lot of activities with the bartenders, which is coming this year, 2018. Very good. So I'm request karenge agar koi bhi bartenders ho, those who want to join Kolkata bartenders community, want to be a part of that, please be with us. We are always there to help you out from any corner of the view for your profession. No, we can give you a particular description in the description below, so that people can get in touch with you. Of course, Dada, thank you. They can join our community. सो दैट जो जिसका भी क्वेश्चन है जैसे कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करता है जो शायद कभी कभी मैं उत्तर दे नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ से सो मेनी क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस कम्युनिटी यू कैन ज्वाइन दिस कम्युनिटी एंड यू आस्क वॉट एवर इन योर माइंड यू कैन गेट अ आंसर आपको आंसर कहीं से मिल जाएगा आफ्टर 97 बारटेंडर अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई ना कोई आंसर आपको देगा ये आपका बेटरमेंट के लिए अच्छा है कि जो आपको फॉलो करता है जो बारटेंडर्स मेरा वीडियो देखते रहते हैं उसको मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्कॉक्शन ज्वाइन करें और वहां से बहुत सारा क्वेश्चन का उत्तर इट्स आवर मोटो इज टू बी अ क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर द जूनियर बारटेंडर्स टू बी अ नेशनल लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो लोग को हम लोग जो नेशनल लेवल में जा चुके हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करके जूनियर बार्टेंडर्स को फिर नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना फ्रॉम द कोलकाता बेसिकली दे वांट टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर अस थैंक यू सो मच निंदोली थैंक यू आपका थोड़ा सा टाइम हम लोगों के लिए देने के लिए डॉक्टर्स इंडिया डेफिनेटली इसके लिए आभारी रहेगा और मेरा फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि मुझे कैसे सब्सक्राइब करें ऑफ कोर्स फ्रेंड डू लाइक अस वीडियो लाइक एंड शेयर एंड इफ यू डियरली लाइक द वीडियो Please don't forget to subscribe the Cocktail India subscribe. And Sanjay Da, Dada Bartenders. Please follow him. He again a legend for a bartending. No, no, not exactly. Those are the legends. Those are the legends. I'll tell people when I bring to your notice. These are the legend person still sitting in Calcutta. Still available in Calcutta. Okay, thank you, Indulay. Thank you so much. Thank you. We'll meet up again. Thank you.